अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनी डेज। आई एम सहर। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। एंड टुडे आई एम गोना बी क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल ईद मेकअप लुक। एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। Starting with my base makeup, I'm taking this Swiss Beauty Flawless Moisture Primer. It will moisturize my skin as well as prime my skin. तो मैं थोड़ा सा अमाउंट इसको अपने हैंड पे लेके अपनी फिंगर से जरा सा रब कर रही हूँ एंड देन आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय फेस। Priming is done. Now I'm taking this illuminating moisturizer by Sugar Cosmetics and I'm in the shade Pink Pippin 02. मैं इसको थोड़ा सा अपने हैंड पे लेके अगेन इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा दूंगी टू गिव दैट इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। दिस इज अ रियली नाइस इल्यूमिनेटर। ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट कर देता है, एक हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज भी करता है। आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप एंड आई एम इन द शेड 05 मीडियम। तो मैं अपने डार्क सर्कल्स एंड जो भी मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए यूज करती हूँ। अगर हम सेम कलर का प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारा फेस बहुत एशी लगता है। सो आई यूज 1 or 2 शेड डार्कर फॉर माई स्किन टोन टू हाइड माई डार्क सर्कल। आई एम अप्लाइंग इट अंडर माई आईज जस्ट टू करेक्ट माई अंडर आई। दिस कंसीलर इज फुल कवरेज एंड ये ब्लेंड भी बहुत अच्छा होता है। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विथ माई फिंगर। यू गाइस कैन सी इसने मेरे डार्क सर्कल्स को कितनी अच्छी तरह से हाइड कर दिया है। मैं पाउडर ब्रश पे हल्का सा पाउडर लेके अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी ताकि ये मेरे फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो एंड ये अपनी जगह पे स्टे रहे। एंड आपको पाउडर बहुत ही लाइटली लगाना है, ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना नहीं तो फिर आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी लगेगा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 120 बाय लाइट एंड इसको मैं थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेके अब मैं इस फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे डॉट करके लगाऊंगी। एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन विद अ डैम्प ब्यूटी स्पंज। इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, इट गिव्स यू मीडियम टू फुल कवरेज। ये शेड मेरी स्किन के साथ इतना सिमिलर है और ये इतना अच्छी तरह से मेरी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। आई रियली लव दिस फाउंडेशन। यू गाइस कैन सी इसने कितना अच्छा मेरी स्किन को कवर कर दिया है। फॉर कंसीलर आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन एज रिवाइन आई कंसीलर एंड आई एम इन द शेड 100 आइवरी। दिस इज अ रियली नाइस कंसीलर। अगेन आई यूज दिस so many times and I'm applying it under my eye. ये concealer थोड़ा सा मेरे face से light है but जब मैं contour और bronzing कर लूँगी तो ये बिल्कुल एकदम merge हो जाएगा मेरी skin के साथ। so I'm applying it on the inner corners and outer corners of my under eye. also ये मेरी skin को बहुत अच्छी तरह से highlight भी करेगा। on my forehead, the bridge of my nose, cupid's bow, my chin and a little bit around my mouth and around my nose. then with the same beauty blender I'm blending my concealer out. ये blending में भी काफ़ी अच्छा है। you guys can see कि कितना easily concealer blend हो रहा है मेरी skin पर और इसने मेरे face को कितना अच्छा highlighting effect दिया है। again मैं थोड़ा सा concealer अपनी eyelid पर भी लगा रही हूँ to give the base for my eye shadow. then I'm blending it. also अगर आपने मेरा get ready with me date night look नहीं देखा तो आई विल लिंक इट डाउन बिलो एंड प्लीज चेक दैट आउट क्योंकि उसमें मैंने अपने एंड अपने हस्बैंड की रिलेशनशिप स्टोरी बताई है एंड आई होप यू विल लाइक इट। टू सेट माई फेस एंड टेकिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर। इट्स अ रियली नाइस फाइन पाउडर एंड इट कम्स विद दिस पफ बट आई वॉन्ट यूज दिस पफ एंड देन आई एम सेटिंग माई कंसीलर विद द सेम बनाना पाउडर। दिस इज अ रियली नाइस मैट बनाना पाउडर और ये आपके कंसीलर को एकदम इंटैक्ट रखेगा, अपने जगह पे सेट रखेगा। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल डे लॉन्ग एंड ऑल ओवर माई फेस एंड जस्ट टैपिंग दिस पाउडर टू माई फेस। यू आई स्किन सी इसने मेरी स्किन को इंस्टेंटली मैट कर दिया है एंड ये काफ़ी अच्छा बनाना पाउडर है। नेक्स्ट अपने फेस को कॉन्टर करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश एंड कॉन्टर हाईलाइट पैलेट एंड नाउ आई एम कॉन्टोरिंग माई चीक बोन्स। मैं आज कॉन्टोरिंग थोड़ी सी कम रखूंगी, आई विल गो मोर विद द ब्लश। I'm contouring my forehead. If your forehead is small, then skip this step. But I have a large forehead. Then I'm contouring my jawline. And also मैं इसको हल्का सा नीचे ड्रैग कर रही हूँ अपनी चिन पे ताकि जो मेरी डबल चिन है वो थोड़ी सी हाइड हो जाए। नेक्स्ट विद अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आई एम contouring माई नोज।
देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस को एक बार फेस से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे मेरे फेस में. फॉर ब्लश आई एम टेकिंग दिस नायका गेट सिटी ब्लश डुओ एंड आई एम इन द शेड मलिबू बार्बी 03. इट हैज रियली प्रीटी शेड विद राइसिन टू. इट्स पिंक है एंड इट्स टोटली रेड टोन में आ रहा है. लुक एट द पिगमेंटेशन यू गाइस, इट्स रियली प्रीटी ब्लश शेड एंड इसमें से ये मैं पिंक शेड लेके अपने चीक्स पे लगाऊंगी. राइसन थी, दिस इज वेरी प्रिटी ब्लश और मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसको लिया था अपने ब्रश से. इसका पिगमेंटेशन इज वेरी वेरी गुड, आई जस्ट लव दिस. ओके, नेक्स्ट फॉर द हाइलाइटर आई एम टेकिंग माय फेवरेट हाइलाइटर. दिस इज फ्रॉम टू फेस डायमंड हाइलाइटर. ओ माय गॉड यू गाइस, लुक एट दिस पैकेजिंग. आई एम जस्ट लविंग दिस हाइलाइटर. एक हाइलाइटर ब्रश से अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ जिससे कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है. इट लुक्स वेरी प्रिटी ऑन योर स्किन. मुझे एक्चुअली इसका कुछ पता नहीं है बट आई लव द सेवैया जो वो बनाते हैं. आई थिंक वो दूसरी ईद होती है, इस बारे में नॉलेज नहीं है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ एनीवन नोज अबाउट ईद. नाउ आई एम हाइलाइटिंग माय शेप विद ग्लो माय स्किन माय फेस. नाउ आई एम सेटिंग माय फेस विद दिस शुगर कॉस्मेटिक ग्रैंड फिनाले ड्यूई फिनिश फिक्सिंग स्प्रे एंड मैं इसको अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर दूंगी. This is a really nice fixing spray. मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और मेरी बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है. सो माई फेस मेकअप इज ऑल डन एंड अब मैं अपने लेंसेज वियर करके अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी. तो मैंने अपने लेंसेज वियर कर लिए हैं. नाउ टाइम फॉर माई आई एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मार्स मेस्मराइज पैलेट. ओ माई गॉड यू गाइस, इसके कलर इतने प्रिटी हैं. लेट मी शो यू सम स्वॉचेस. लुक एट दिस गाइस, हाउ प्रिटी दीज आर. दीज आर सो पिगमेंटेड. लेट सी हाउ इट ब्लेंड्स, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. सो द फर्स्ट शेड आई एम यूजिंग इज दिस लेवेंडर कलर फॉर माई transition shade because this is the lightest shade in the palette. I can see apni crease pe lagaungi and I'm focusing on my outer corners. Next I'm taking this hot pink shade from the palette and isko again main apne outer corners pe lagaungi. Oh my god you guys, this is so pigmented palette. ये आई शेडोज बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है और बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो रहे हैं. ये हल्का सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज पैची. यू गाइस ब्लेंड दिस वेल, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है इन आई शेडोज का. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल डार्क पिंक शेड फ्रॉम द पैलेट, फोकसिंग ऑन माई आउटर कॉर्नर. ऑनेस्टली गाइज आई एम लविंग दिस पैलेट, दिस इज सो प्रिटी. एंड देन मैं इसको क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी. फॉर माई आई लिड्स आई एम टेकिंग दिस पिंक शेड. दिस इज मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से अपने एजेस को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे. एंड फॉर आईलाइनर आई एम टेकिंग दिस लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम माइग्लैम. ये एक साइड पे लिक्विड आईलाइनर है एंड दूसरी साइड पे ब्राउ पाउडर है एंड ऑल्सो मैं एक हल्का सा विंग क्रिएट कर रही हूँ. So my eyeliner is done. Now for the under eyes, I'm using this intense kohl kajal by Swiss Beauty. This is a really pretty kajal. Look at this. एंड इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ. एंड देन आई एम टेकिंग दिस लाइट ब्लू शेड फ्रॉम द सेम पैलेट. दिस इज अ शिमरी शेड एंड एक एंगुलर ब्रश से मैं अपने कोल को इस आई शेडो से सेट कर दूंगी. अगेन आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट पिंक शेड विच आई अप्लाइड टू माई क्रीज एंड उससे मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छी तरह से. लिटरली इस पैलेट को देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे शेड्स अप्लाई कर लूँ अपने फेस पे बिकॉज दिस इज सो प्रिटी पैलेट एंड डेफिनेटली मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी जरूर यूज करूँगी. फॉर मस्कारा आई एम टेकिंग माय ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा. दिस इज फ्रॉम मेबेलिन द फॉल्सेस लैश लिफ्ट मस्कारा. दिस इज वाटर प्रूफ मस्कारा सो आपके डेली यूज के लिए स्पेशली इन समर टाइम दिस इज वेरी गुड. ये आपका स्मज नहीं करेगा, आपके आई मेकअप को बिल्कुल खराब नहीं करेगा. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई लैशेज. To highlight my eyes, I'm taking the same Too Faced highlighter and उससे मैं अपने inner corners को and brow bone को highlight कर दूंगी. तो मैंने lashes भी लगा लिए हैं. Now for the lips, I'm taking this pink Colada shade from Love Art. This is a really nice pinky nude color and इसको मैं अपने lips पे लगाऊंगी. तो my face is done और अब मैं अपनी पूरी look complete करके आती हूँ.
फॉर माई आउटफिट आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सूट, इस पर बहुत ही प्यारे से कैसेज लगे हैं और यहाँ पे लेस का काम है, एंड देन आई एम पेयरिंग इट विद अ ब्यूटीफुल प्रिंटेड दुपट्टा। हेयर्स के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरे हेयर्स नेचुरली वेवी हैं तो मैंने इनको नेचुरली रखा है। फॉर माई ज्वेलरी आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सिल्वर इयर रिंग, दीज आर फ्रॉम मिंत्रा से मैंने ये शायद ये लिए थे एंड दे आर वेरी प्रिटी। So guys, this is my final makeup look, and if you guys like this makeup look, then please let me know in the comment section below. Also give this video a thumbs up and please, please, please subscribe to my channel. I really need your support, and I do have an Instagram handle where I post so many things, so you can follow me on that. I will link it somewhere here. I will see you in my next video. Bye.